हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो एटम के बारे में है, इसकी क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो वेरियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए। जो फर्स्ट साइंटिस्ट था वो था डाल्टन। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। किसने दी थी? ये डाल्टन ने दी थी। और ये एक ब्रिटिश टीचर था, और इन्होंने जो ये एटॉमिक थ्योरी थी ये दी थी 1808 में। उन्होंने क्या बोला था कि जो मैटर है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जो एटम है वो ग्रीक वर्ड अटोमियो से आया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है अनकटेबल। ओके, फिर सभी बहुत ज़्यादा जो वेरियस साइंटिस्ट थे, जैसे जे जे थॉम्सन था, गोल्डस्टीन था, रदरफोर्ड, चैडविक बोहर, इन्होंने सभी ने जो एटम है एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि क्या क्या स्ट्रक्चर होगी, पर कोई भी लास्ट जो रिजल्ट था उसके ऊपर नहीं पहुंच सका। फिर जो 20th सेंचुरी में जो ये डाउट था कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, ये डाउट जो था वो दूर हो गया। उन्होंने क्या किया? एटम क्या है उन्होंने बोला, किसने बोला? डाल्टन ने, कि जो एटम है, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, ठीक है, स्मॉलेस्ट, नॉट स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, ठीक है। एटम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो जो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स, इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको स्टडी ऑफ कैथोड रेस भी बोलते हैं, इसको स्टडी ऑफ कैथोड रेस। तो जो विलियम क्रूक्स थे, विलियम क्रूक्स, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को स्टडी किया। विलियम क्रूक्स ने ये काम कब किया? 1879 को। उन्होंने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब, जिसकी लेंथ अबाउट 60 सेंटीमीटर थी, और उन्होंने उसमें दो इलेक्ट्रोड, दो मेटल इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिए, ठीक है। और ये जो दो इलेक्ट्रोड थे उनको उन्होंने एक बैटरी से, हाई वोल्टेज बैटरी से
कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसमें एक उन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया। ओके, वैक्यूम पंप, ये एनोड पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव कैथोड और यहाँ हाई वोल्टेज बैटरी लगा दी उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंट प्रेशर पे नंबर ऑफ रिजल्ट्स निकाले, उन्होंने ऑब्जर्व किया इस ट्यूब को, ऑब्जर्व करके उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट निकाले। पहला उन्होंने बोला अगर गैस प्रेशर को अगर 1 एटमोस्फियर प्रेशर पे रखते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं करता है, नो करंट फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की थी उन्होंने, और जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने, अब उन्होंने प्रेशर को क्या कर दिया, प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, प्रेशर को अबाउट 10^-2 एटमोस्फियर तक रिड्यूस किया। तो उसमें जो इलेक्ट्रोड थे, इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हुआ, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया, और इसमें कलर्ड ग्लो ऑब्जर्व हुआ, जैसे कलर दिखता है ना वैसे कलर दिखा इसमें, ठीक है, जब प्रेशर 10^-2 एटमोस्फियर किया तो करंट क्या हुआ, करंट स्टार्ट टू फ्लो, ठीक है, करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। तो ये कलर्ड ग्लो था, कलर्ड ग्लो ऑब्जर्व किया उन्होंने। अब उन्होंने क्या किया, तीसरा जब प्रेशर और रिड्यूस किया अबाउट 10^-4 एटमोस्फियर पे, तो जो इलेक्ट्रोड के बीच में जो कलर था वो डिसअपियर हो गया। अब ये कलर जो है ये दिखाई नहीं दे रहा था, पर करंट कंटिन्यू फ्लो कर रहा था, ठीक है, कलर नहीं दिखाई देता रहा था पर जो करंट था वो कंटिन्यू फ्लो कर रहा था। और यहां पे उन्होंने अब क्या किया, जब थर्ड ऑब्जर्वेशन की तो उन्होंने यहां पे परफोरेटेड एनोड ले लिया, ठीक है, परफोरेटेड मतलब जिसमें होल्स थे। तो जब उन्होंने यहाँ से करंट पास हुआ तो यहाँ से जो होल से जो इलेक्ट्रोड निकल रहे थे तो यहाँ पे ग्लो दिख रहा था, ठीक है। जब प्रेशर फर्दर रिड्यूस किया गया 10^-4 एटमोस्फेयर पे तो जो इलेक्ट्रोड के बीच में जो ग्लो था वो डिसअपियर हो गया, ठीक है, और जो करंट था करंट कंटिन्यू फ्लो कर रहा था, करंट कंटिन्यू फ्लो कर रहा था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन की तब उन्होंने एक परफोरेटेड एनोड ले लिया, ठीक है, परफोरेटेड मींस जिसमें होल बने होते हैं। तो जब उन्होंने ये एनोड लिया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे फेंट ग्रीनिश ग्लो ऑब्जर्व किया उन्होंने एनोड के पीछे, ठीक है। तो ये शो करता है कि जो कुछ इंडिविजुअल रेज हैं वो कैथोड से एमिट होती हैं, जो होल से जब पास करती हैं तो वो जो यहाँ पे वॉल है, ग्लास वॉल है, तो उससे टकराती हैं। तो इन रेज को उन्होंने क्या बोला, कैथोड रेज बोला,
जो यहां पे टकराती हैं उनको क्या बोला उन्होंने, कैथोड रेज। ओके सॉल्व, थैंक यू।